नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उस वैश्विक महामारी के संदर्भ में जो कई मामलों में आज एक आपदा नहीं बल्कि एक विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी है, जो अपने ही लोगों से है और अपनों के बीच में है लेकिन अपनों की सुरक्षा के लिए है। बात करेंगे भारत के संदर्भ में, क्योंकि बहुत बड़े विषय पर बात करने के लिए या उसकी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आपकी तैयारी होना बेहद आवश्यक है और तार्किक तैयारी होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सूचनाओं को और ज्ञान को और सूचनाएं यदि सावधानीपूर्व प्रदान ना की जाएं तो वह किसी भी अनहोनी को दावत दे सकती हैं। तो वैसी गलती मैं तो नहीं करूँगा इस वीडियो में, और ये मेरी वीडियो कुछ लोगों को परेशानी में डालेगी ज़रूर, और परेशानी में उनको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो हो सकता है इस वीडियो में दर्शकों को लगे कि मैं नेगेटिव ही बात कर रहा हूं, या मैं सरकारी योजनाओं का या नागरिकों के अधिकारों का दूसरे ही तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि एक वैश्विक आपदा है इस समय विश्व के सभी राज्य और सभी देशों में, तो उन्हीं के मद्देनज़र यदि मैं कुछ कठोर या कटु शब्दों का प्रयोग करूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा हाथ जोड़कर, लेकिन सत्य कहूँगा और सत्य पसंद आए तो वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, और यदि सत्य पसंद ना आए तो वीडियो को अधूरा छोड़कर कुछ और देखें। आपका जीवन है, आपकी सुरक्षा है आपके हाथों में, हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद साथियों, जैसा कि टाइटल से आपको पता ही चल गया है, हम बात कर रहे हैं सरकार के आदेश की, जो कल रात्रि में दिया गया लॉकडाउन का, 21 दिनों के लॉकडाउन का। क्या होता है लॉकडाउन, अभी तक आप शायद समझ ही चुके हैं क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। उन्हीं सभी में से कुछ कुछ बातों की बात मैं यहाँ करूँगा आपसे, कितना सही हूँ कितना गलत हूँ वो मुझे आप बताएंगे, लेकिन हम बात शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, तो सरकार के मंत्रियों के रूप में या सरकार जिन पर राज करती है उस प्रजा की, हम दोनों की बात करेंगे इस वीडियो में, और हम बात करेंगे उन सुविधाओं की भी और उन समस्याओं की भी जो जनता को हो रही है या फिर जो जनता के द्वारा हो रही है, उन सभी की क्रम से उसकी क्रोनोलॉजी को समझाने का मैं प्रयास करूँगा। सरकार ने बात की कि किसी भी परिस्थिति में आप घर से बाहर ना निकलें, बेहद अच्छी बात है सरकार ने इस बात को कहा, लेकिन सरकार की ये बातें या सरकार के ये आदेश या सरकार के ये कानून क्या सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो रहे हैं, या फिर क्या सरकार सभी लोगों पर उसको लागू करवा पा रही है इन कानूनों को, इन नीति नियमों को। जिन लोगों के पास किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं है, कोई कार नहीं है, सरकारी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जिससे वह अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को हफ्तों के हिसाब से खरीद कर घर में ला सकें, उन लोगों की तरफ या ऐसे लोगों की तरफ सरकार ने कोई ध्यान दिया है क्या, कि योजना चलाई है क्या? सरकार के योजनाओं के अंतर्गत बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान कर दिया कि हम फलानी फलानी रकम कुछ हज़ार की संख्या में, कुछ 2,000 की संख्या में, कुछ 5,000 की संख्या में और कुछ कुछ 500 रुपये की संख्या में उनके बैंक खातों में डाल दिया जाएगा, ऐसे मजदूरों के खातों में जो कहीं ना कहीं रोज खाते हैं रोज कमाते हैं, उनका जिक्र नहीं है इन योजनाओं में। लेकिन सरकार एक बात और कहती है कि उनके खातों में डाल दिया जाएगा, यानी कि बैंक खातों में डाल दिया जाएगा। तो सवाल सरकार से मेरा ये है, छोटा सा सवाल है, कि आप ये आंकड़ा पहले बताइए कि कितने मजदूरों का खाता है बैंकों में जिनमें आप पैसा भेजना चाहते हैं या भेज रहे हैं या भेजेंगे, क्योंकि योजनाओं के नाम पे पैसा तो बहुत घोषित कर दिया जाता है मेरे साहेब, लेकिन पैसा पहुंचता कितने लोगों तक है और कितना पैसा पहुंचता है ये भी एक सवाल है। सरकार ने अपनी योजनाओं में क्या उन लोगों का जिक्र किया, या अपनी नीति नियमों में क्या उन लोगों का जिक्र किया जो फुटपाथ पर सोते हैं और वहीं पर पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं? क्या सरकार ने उन मजदूरों का जिक्र किया? क्या सरकार ने उन रिक्शे वालों का, उन रेहड़ी पटली वालों का जिक्र किया जो अपने लिए रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं और अपने परिवार का पालन करते हैं और पेट पालते हैं? इन्हीं सरकारी योजनाओं में 25 तारीख को जब
यह है प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन की सूचना देश को दी गई उससे एक दिन पूर्व अर्थात 24 मार्च को संसद में या सरकार ने एक आंकड़ा जाहिर किया और कुछ रकम भी बताई कि सेज नाम के मंत्रालय के अंतर्गत एक लेबर मंत्रालय भी आता है। लेबर यानी कि मजदूरों का एक संगठन आती है, एक संस्था आती है, जो कि 1997 में इस मंत्रालय में शामिल भी किया गया। उसी की रिपोर्ट सरकार बताती है और कहती है कि उस मंत्रालय के नाम से मजदूरों के लिए एक फंड एकत्रित किया गया है या एकत्रित होता है हर साल। उस फंड की रकम बताई सरकार ने, कितनी है वह रकम या कितना है वह रुपया। आप सुनेंगे तो शायद विश्वास करें ना करें, आंकड़े तो बहुत आते हैं। अब ये संसद के आंकड़े हैं, सरकारी योजनाओं के आंकड़े हैं। उस सेज नामक लेबर मंत्रालय में जो फंड एकत्रित हुआ है वह धनराशि है 52,000 करोड़ भारतीय रुपए। बावन हज़ार लाख करोड़ रुपए सेज के लेबर मंत्रालय में मजदूरों को सुविधाएं या आकस्मिक निधि या ऐसे ही समय में सुविधाएं देने के लिए एकत्रित हैं सरकार के पास। लेकिन ये पैसा क्या मजदूरों तक पहुंचाना चाहती है सरकार, और यदि पहुंचाना चाहती है तो किसे वह मजदूर मानती है और किसे मजदूर नहीं मानती है, यह भी एक सवाल है। क्योंकि सरकार ने यह फंड उन लोगों को देने की बात कही है जो मजदूर रजिस्टर हैं, पंजीकृत हैं। फिर एक सवाल पैदा होता है कि जो मजदूर काम करते हैं, जो लेबर काम करती हैं, जो मिलों में काम करते हैं, क्या उनका रजिस्टर होता है? और यदि रजिस्टर होता है तो कौन बनाता है उनका रजिस्टर और किसके माध्यम से उनका नामांकन या पंजीकरण करवाया जाता है ऐसे मजदूरों का? क्या ठेकेदार करवाते हैं या मिल के मालिक करवाते हैं? और यदि करवाया भी जाता है तो क्या मजदूरों को इस बात की जानकारी दी भी जाती है कि उनका नामांकन कहीं हो रखा है? यदि कोई ऐसी आपदा या कोई ऐसी महामारी आती है तो वे रजिस्टर हैं तो उनको कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं है ऐसे मजदूर संगठनों के पास और ऐसे ही मजदूरों के पास। तो सवाल ये होता है कि 52,000 लाख करोड़ रुपया कैसे खर्च होगा, किस पर खर्च होगा और उनको सुविधाएं कैसे प्राप्त होगी। लेकिन उसी सरकार के अंदर एक आंकड़े आते हैं कई राज्यों के संदर्भ में। मैं खाली दिल्ली की बात करूँगा, दिल्ली में यदि लेबर मंत्रालय की बात की जाए तो उसके पास जो आंकड़ा है मजदूरों का वह केवल 31,000 है। यानी कि दिल्ली के अंतर्गत जो मजदूरों की संख्या है पंजीकृत वह 31,000 बताई जाती है 2020 के अंतर्गत जो चल रहा है अभी 31,000। लेकिन मजदूर कितने हैं इस मजदूर में? वह सभी मजदूर आते हैं जो पंजीकृत हैं, ध्यान रखिएगा 31,000 वह हैं जो पंजीकृत हैं। लेकिन जो पंजीकृत नहीं हैं लेकिन मजदूर हैं, जो फुटपाथ पे काम करते हैं, रेहड़ी पटली वाले हैं, रिक्शा चलाते हैं, कचरा बीनते हैं, वेटरों का काम करते हैं, शादी पार्टी में रात्रि का काम करते हैं, दिन का काम करते हैं, कुरियर बॉय का काम करते हैं, ऐसे लोग रजिस्टर नहीं लेकिन मजदूर की श्रेणी में आते हैं। उनकी संख्या लगभग 10 लाख है। 10 लाख तो संभावित हैं लेकिन नामांकित हैं, पंजीकृत हैं केवल 31,000। यानी कि जो सेज के अंतर्गत जो फंड एकत्रित हुआ है उस उन पैसों का लाभ दिल्ली के अंतर्गत, वो पूरे देश का आंकड़ा है, देश का फंड है वो 52,00,000 करोड़ रुपए। संख्या के पीछे हो सकती है लेकिन इतना फंड है, उसकी वेबसाइट पे आपको आंकड़ा मिल जाएगा। लेकिन केवल 31,000 मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा दिल्ली में। तो बाकी के जो बच जाते हैं मजदूर 9,69,000 उनका क्या होगा? उन तक ये फंड नहीं पहुंचेगा क्या? और यदि आप मजदूरों के नामांकन की बात करते हैं तो मजदूरों को मजदूरी पर रखा जाता है तब ये नामांकन की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? इस सरकार पे सवाल है। फिर एक और बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं कि सरकार कहती है कि पैसा बैंकों में जाएगा, सरकार ने कहा, और जब पिछली गवर्नमेंट थी यही मोदी जी की, उन्होंने कहा था कि हर किसी का खाता होना चाहिए, बैंक खाता होना। यदि आपके पास सभी का बैंक खाता है तो ये सवाल कैसा पैदा हो जाता है कि पैसा उनके खातों में जाएगा, यानी उनके बैंक खातों में? यानी कि आप स्वयं मानते हैं, सरकार की योजनाओं की पोल खुल रही है कि सभी लोगों का बैंक खाता नहीं है, सोचिए आप। और अब बात करते हैं कुछ और नेगेटिव्स की। सरकार कहती है कि सभी को घरों में रहना है लॉकडाउन, लेकिन इसमें
किसको लॉक किया गया है और कौन डाउन हुआ है, किसका स्तर गिरा है, उनकी भी चर्चा करते हैं, उनकी भी बात कर ही लेते हैं। सत्य है कड़वा होता है, नंगा होता है, लेकिन सत्य होता है इस देश में कानूनों का पालन आम नागरिक के लिए अलग तरीके से करवाया जाता है, हमारे राजनेताओं पर, हमारे सेलिब्रिटियों पर अलग तरीके से करवाया जाता है। आप सभी जानते हैं वीडियो वायरल हैं, फोटोज़ वायरल हैं, उन पर होने वाली कार्रवाई भी वायरल है। कुछ नाम लेकर मैं बात करूँगा। आज यानी कि 26 तारीख है, दूसरा दिन है, कल 25 तारीख थी, पहला नवरात्र था। हिंदू परंपरा के अनुसार देवी देवताओं की पूजन होती है और कल ही के दिन पहले नवरात्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब साहिब मालिक या कहें तानाशाह अजय सिंह बिष्ट जी चले जाते हैं राम प्रभु के मंदिर के उद्घाटन में, शिलान्यास के दौरान, पूजन के दौरान। अकेले नहीं जाते हैं, लेकिन आपके देश का पीएम बात करता है लॉकडाउन की महामारी से बचाव के लिए, लेकिन आप उनके आदेश की धज्जियां उड़ा देते हैं और परकच्छे उड़ा देते हैं उन कानूनों के, उन धाराओं के जो आपने स्वयं अपने राज्यों में लगा रखे हैं, लेकिन अपने ऊपर लागू नहीं करवाते हैं, अपने मंत्रालय के मंत्रियों पर लागू नहीं करवा पाते हैं। तो आप किस कानून की बात करते हैं, यानी कि सरकार के मंत्रियों पर और सरकारों पर क्या 144, 188, 1897 का महामारी एक्ट लागू नहीं होता है क्या? ये धाराएं लागू नहीं होती हैं क्या? उन पर भी लागू होती हैं। और फोटो वायरल हैं, ना कोई हाथ में ग्लव्स हैं पूजा के दौरान, ना कोई चेहरे पे मास्क है, ना ही आसपास के जो लोग हैं उनके पास भी ये सुविधाएं हैं। माना कि आप जो सभी लोग गए थे हजारों की संख्या में, वो ग्रसित नहीं थे इस संक्रमण से और उन पर लागू नहीं होता है लॉकडाउन का कोई भी फरमान, मान लिया, लेकिन जब आप वहाँ से निकलने के बाद अपने घरों में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में जाएंगे, क्या उन लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री या और उनके सहायक, सहकर्मी या भक्त लोग? नहीं लेंगे। एक और इसी सरकार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने सत्ता पाने के लिए क्या नाटक किया, क्या खेल रचा, क्या सत्य है क्या असत्य है, वह तो भविष्य बताएगा। मीडिया ने कितना दिखाया, जनता ने कितना समझा, वह तो भविष्य बताएगा। अपने मुख्यमंत्री के समारोह के राष्ट्रक के लिए कैसा भव्य स्वागत करते हैं पूरे देश ने देखा। क्या उनके ऊपर लॉकडाउन लगता है? उनके ऊपर धारा 144 लगती है? उनके ऊपर 188 लगता है क्या? उनके ऊपर क्या महामारी अधिनियम 1897 लगता है क्या? नहीं लगता है। यदि लगता तो कार्रवाई भी होती, लेकिन नहीं हुई। शानो शौकत के साथ, अजीमो शाह शहंशाह की सख्तियत के साथ चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बेहद गुस्से में हूँ और मेरे चेहरे से लग रहा होगा कितना शांत हूँ, क्योंकि शांति के समय आप अशांति की बातें यदि करेंगे तो आप देश में कानून व्यवस्था तोड़ेंगे। मैं बात करूँगा अब उन प्रदर्शनकारियों की जो अपने प्रदर्शन को सर्वोपरि रख रहे हैं और देश में लोगों की सुरक्षा को नीचे गिरा रहे हैं। जैसे ही सरकार ने कहा कि सभी प्रकार के धरने प्रदर्शन को बंद नहीं, स्थगित करने का आदेश आया, इन लोगों ने क्या किया, ऐसे प्रदर्शनकारियों ने? मैं स्वयं कई प्रदर्शन कर चुका हूं और करता भी हूं, भविष्य में भी करूंगा। यदि कुछ गलत होता है, कोई नीतियां आती हैं, चाहे सीए हो, एनपीआर हो, प्रधानमंत्री को पत्र लेखन हो, सरकारी योजनाओं की आलोचना हो, सरकार की आलोचना हो, कोई गलत कानून है, तो उसकी टिकट मैं भी करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन जब देश में सुरक्षा की बात आती है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो आपको भी सरकारी आदेशों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। आपकी आज़ादी बेहद, हम भी उसका समर्थन करते हैं, आपके तीज त्यौहार है, हम भी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब देश ही नहीं बचेगा, नागरिक ही नहीं बचेगा, तो क्या करेंगे अपनी आज़ादी का, क्या करेंगे अपने धार्मिक पर्वों का या रीति रिवाजों का, और किसके लिए है धर्म और किसके लिए है आज़ादी? नागरिक ही नहीं है, आप मनाइए अपना तीज त्यौहार, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कोई अधिकार नहीं है किसी की जान के साथ खिलवाड़ करें। चाहे मैं किसी धरने प्रदर्शन का नाम नहीं लूँगा और नाम ना लेने के बावजूद आप समझ गए होंगे मैं किस धरना प्रदर्शन की और किन लोगों की बात कर रहा हूँ, मंत्रियों के मैंने नाम लेकर बोला। तो समझिए कि लॉकडाउन में किसको लॉक किया गया है और कौन डाउन हुआ है, उन चीज़ों को समझे मेरे दर्शक। सरकार ने, विश्व ने स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर जो भी उससे उनसे बन पड़ रहा है वह कर रहे हैं। कम ज़्यादा हो सकती हैं चीज़ें, कि किसी को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, किसी को कम सुविधाएं मिलती हैं, वह हो सकता है।
और इस बात का भी ध्यान रखें कि सुविधाएं ही सब कुछ नहीं होती हैं। आप उन सुविधाओं का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कितने स्तर पर करते हैं, किसके लिए करते हैं और किस प्रकार से करते हैं वैश्विक स्तर पर, ये भी मायने रखता है। हो सकता है आपके पास खरबों रुपया हो, लेकिन रुपये का प्रयोग किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है। खाएंगे आप दाल रोटी ही, आप रुपया नहीं खाएंगे तो रुपये वाले भी ग्रस्त हैं, बड़े बड़े मंत्री भी ग्रस्त हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी ग्रस्त हैं, क्योंकि रोग वायरस और सत्य का धर्म नहीं होता है। कोई कानून नहीं मानता है, चाहे 144 लगा दीजिए कोरोना नहीं रुक जाएगा, 188 लगा दीजिए नहीं रुक जाएगा, क्योंकि मैंने बताया दहशत का, रोग का, आतंकवाद का, अव्यवस्था का और संकुचित मानसिकता वाले लोगों का कोई धर्म नहीं होता। ये धर्म देखकर आपके पास नहीं आएगा, ना ही धर्म देखकर आपसे दूर हो जाएगा। जिसको चपेट में लेना है वह लेगा। तो पुनः वीडियो को समाप्त करते हुए, सरकार अपनी योजनाओं में बदलाव ना करे, लेकिन उन लोगों की भी सोचे जो मजदूर हैं, रोज खाते कमाते हैं। और सरकार ने एक आदेश ये भी निकाला था, किसी मजदूर की सैलरी नहीं रोकी जाएगी, किसी भी मजदूर को नहीं निकाला जाएगा कामों से। लेकिन जो मिल मालिक, जो ठेकेदार, जो बिल्डर्स मजदूरों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, उन पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? YouTube पर, मीडिया चैनलों पर ढेरों नहीं लाखों वीडियो हैं, लाखों न्यूज़ हैं कि मजदूरों को मिल मालिक निकाल रहे हैं, मजदूरों को निकाल रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, उन पर राशन नहीं है, पैदल जाने के लिए मजबूर हैं कई लोग, दिल्ली से बिहार, दिल्ली से अलीगढ़, आगरा से दिल्ली, ऐसे लोग पैदल जा रहे हैं और उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो सरकार को दो लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों पर पहले जो उन लोगों को यह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वह ठेकेदार, वह कंपनी मालिक, वह मिल मालिक जो उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और यदि कोई जाना भी चाहता है और सरकार ने आदेश दिया है लॉकडाउन का, सभी सरकारी या सार्वजनिक सेवाएं बंद हैं यातायात के, लेकिन यदि किसी को फिर भी जाना पड़े, सरकार ने स्वयं कहा कि अति से अति आवश्यक काम हो तभी एक जगह से दूसरी जगह जाएं, यदि जाएं तो सरकार ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है? क्या पैसा नहीं है? सर, बेहद पैसा है। चुनाव प्रचार में पैसा कहाँ से आता है? बड़े बड़े मंत्रियों को पैसा कहाँ से आता है? यही आपके बिल्डर्स देते हैं, बड़े बड़े टाइकून देते हैं जो खरबपति हैं। सवाल एक और उठता है कि 100 से अधिक की संख्या में इस देश अर्थात भारत में खरबपतियों की संख्या है, उन 100 में से एक भी नहीं आया है सामने अभी तक। कोई फिल्म स्टार नहीं आया, कोई क्रिकेटर नहीं आया, गिने चुने लोग आए हैं जो अपने फंड से या अपनी इनकम का कुछ कुछ हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं आए। तो जनता को और मेरे वीडियो देखने वाले दर्शकों को चुनना होगा कि आपके आइडल के पैमाने क्या हैं, आपको परिवर्तित करना होगा। जिनकी आप फिल्में देखते हैं, जिनको आप भगवान की तरह पूछते हैं अपने खेलों के माध्यम से, स्पोर्ट्स के आपके भगवान हैं अलग अलग, आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले कुछ से फिल्म स्टार आपके आइडल हैं, वह लोग क्यों नहीं आ रहे? आप आम इंसानों की मदद के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट हैं, अपने पैमानों को बदलिए और सरकार की नीयत को समझिए कि पैसा कहाँ देना चाहती है। दिल्ली सरकार के बजट में 7000 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार से हमको बड़ी उम्मीद थी कि बेहद कुछ करेगी, उसने क्या किया? दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपया दे दिया गया। दिल्ली को सुंदर बनाना है, लुटियंस दिल्ली को, उस दिल्ली में क्या मजदूर किसान वर्ग के लोग नहीं रहते हैं? शिक्षक नहीं रहते हैं? मिडिल वर्ग के लोग नहीं रहते हैं? क्या छात्र नहीं रहते हैं? छात्राएं नहीं रहती हैं? ब्लाइंड नहीं रहते हैं? उनके लिए आपने अपनी योजनाओं में कितना फंड दिया? कोई नहीं है। यानी कि आपको सुंदरता पे तो खर्च करने के लिए 20,000 करोड़ है, और आपके समक्ष इसी देश में केरला के मुख्यमंत्री भी हैं जो इस वायरस से जंग के लिए 15,000 करोड़ का बजट फाइनल करते हैं, वह भी हैं। तो इस देश में दोनों तरह के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत क्रूर लोग भी हैं, और ये क्रूर वही लोग हैं जो शायद इस देश को अपना ही नहीं पाया जाता, ग्रहण ही नहीं कर पाए इस देश के निवासियों को और इस देश की समस्याओं को। वो सोचते हैं कि हम कोई भी योजना बनाएं, इस देश में हर योजना, हर नीति दो तरीके से लागू होती है, एक उन खास लोगों के लिए जो सरकार बनवाते हैं, जी हाँ, उन खास लोगों के लिए जो सरकार बनवाते हैं या सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि आप ऐसे चलिए, आप बनेंगे तो हम तो बन ही जाएंगे, और अगर हम नहीं बने तो आपको बनने नहीं देंगे, ऐसे खरबपतियों की भी सरकार है।
और दूसरी योजना के वह लोग भी हैं जो वोट देने के बाद सो जाते हैं या अपने आप को मरा हुआ घोषित भी कर देते हैं। जैसी जनता है वैसे ही प्रजा मिलेगी। बहुत कुछ है कहने के लिए, वीडियो का दूसरा भाग भी आएगा। इस लॉकडाउन के नेगेटिव बहुत कुछ हैं, लेकिन सरकार से पुनः निवेदन कि अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करें और सभी पर लागू करें, चाहे आम इंसान हो, चाहे खास हो, चाहे मंत्री हो, चाहे साला कोई मुख्यमंत्री हो। इन सभी लोगों पर भी 144 लगाइए, 188 लगाइए, कानून को तोड़ा है सजा दीजिए, मील का पत्थर साबित करिए। सुंदरता को पहले आप बाद में देखिए, पहले स्वच्छता को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए। मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि इस समय मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ, कोई चुनौती नहीं दे सकता हूँ। बंदूक के दम पर आपसे कुछ करवा नहीं सकता, क्योंकि बंदूक के दम पर तो हिटलर भी कुछ नहीं करवा पाया। शांति, अहिंसा, प्रेम के माध्यम से ही महावीर ने दुनिया को बदला, बुद्ध ने गांधी को बदला, बाबा साहेब ने बदला, और गांधी ने बदला, और अब्दुल कलाम ने भी बदला। तो योजनाओं के नाम से जो आप करना चाहते हैं करें, लेकिन नीति को स्पष्ट रखें। आपने वीडियो को बर्दाश्त किया, सहन किया, कितना समझा पाया, और उन शर्म लोगों से जो नाटक करने का तो नाटक भी नहीं कर पाते हैं, कम से कम आज तो थैंक्स कर दीजिए उन डॉक्टरों का, उन नर्सिस का, उन मजदूरों का, उन स्वास्थ्य सेवा के सफाई कर्मचारियों का, और देश के सिपाहियों, देश के जवानों का, जो अपना परिवार छोड़े आपकी सुरक्षा में दिन रात आज भी हैं, आपको सुविधाएं दे रहे हैं। मेडिकल या सफाई या स्वास्थ्य कर्मचारियों का क्या दर्द है, उसके लिए वीडियो का दूसरा भाग ज़रूर देखिएगा। डिटेल में बताऊंगा कि कैसे रो रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं ये सभी लोग कि इनके पास संसाधन नहीं हैं आपकी और हमारी सुरक्षा करने वाले। क्या हैं क्या नहीं हैं उसके लिए अगला वीडियो देखिए। आपने वीडियो को देखा, बर्दाश्त किया, लोगों से दूर रहें कम से कम, लेकिन मानसिक रूप से पास रहें। मतभेद हो सकता है, मनभेद ना रखें इस दौर में, सोशल गैपिंग रखें, पत्राचार करें। इस समय चिट्ठी, ईमेल, फ़ोन जो भी हो सकता है अपने परिवार वालों के संपर्क में रहें, लेकिन शारीरिक रूप से ना सही, मानसिक रूप से ज़रूर रहें। सरकार के आदेशों का पालन करें, और पुनः गुजारिश, सरकार अपने सभी आदेशों का पालन सभी लोगों पर करवाए, समान रूप से लागू करवाए। आपने मेरे वीडियो को देखा, पसंद किया, सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्कार।